तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आए जो आज का हमारा पेपर हुआ सीटेट का, जो 31 जनवरी 2021 को जो एग्जाम उसकी एंसर शीट लेके आए, जो पेपर फर्स्ट का सीडीपी के जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कराएंगे। उनकी एग्जिट जो बिल्कुल बिल्कुल ही आंसर की बिल्कुल मैच करेगी इसी से, तो आप इनसे आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन इसमें रहे हैं, तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें मिले हुए हैं, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप इस पर कर रहे हैं आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दिया जाएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो ऑप्शन है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, बी है, और सेकेंड है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, तीसरा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, सी और चौथा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, जो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ऑप्शन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका जो आंसर होगा शिक्षा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, क्योंकि व्यक्तिगत योजना ये हमारा नहीं हो सकता, और यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, ये देखिए इसका, ये तो व्यक्तिगत योजना भी बना सकता है और ये हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है, याद रखें नहीं पूछा है, और यहाँ पर ये भी नहीं हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल, ये देखिए जटिल वाला शब्द आ गया, तो यहाँ पर हमारा निगेटिव हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता के आप सभी समझते हैं, सृजनात्मकता क्या है, क्या होता है, क्या सरेंगे, तो ये देखो ये तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये अपसारी चिंतन होता है, ये अपसारी चिंतन, ये अभिसारी और अपसारी होता है, लेकिन प्रमुख चिंतन पूछे तो यहाँ पर अपसारी चिंतन होगा, लेकिन वैसे तो हमारे दोनों अपसारी और अपसारी चिंतन दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रमुख लक्षण एक पूछ रहा है हमारा क्या हो जाएगा, ये अपसारी चिंतन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। देखिए यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर आंसर हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन नंबर 4, आप सभी लोग मैच करिए, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चनों का संकलन है आज के पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कौथम रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो अगला क्वेश्चन है शर्मिंदगी, शर्मिंदगी यहाँ के डैश दिखा हुआ है, शर्मिंदगी क्या है इसमें से, तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, बच्चों को अधिगम प्रेरित अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली, और बी है यानी सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए, और तीसरा है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं, चौथा है का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए प्रभावशाली हो। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का है, यहाँ पर अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा प्रयुक्त है उपयुक्त है, तो कि कौन सी धारणा उपयुक्त है, बहुत ही इंपोर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, अधिगम से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इन पर आप इसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए आपको। चलिए तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा योग्य सुधार रहिया, क्योंकि यहाँ पर अधिगम के लिए प्रमुख धारणा है, क्योंकि आप सुधार करेंगे तो आप जरूर सीखेंगे, इसमें अटल अटक नहीं कर सकते, ना ही अटल से असफलता लिखी है तो ये काट दो पहले से ही, और जो नहीं फर्क नहीं पड़ता तो ये भी आप काट दो, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा आंसर का क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, कब होती है कठिनाई, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। देखिए यहाँ पर समाज में संदर्भ हो तो ये से बच्चे मतलब तो कोई कठिनाई नहीं होगी, समाज में रहकर और बच्चे सीखते हैं तो सूचना अलग टुकड़ों पे, ये तो और सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर वो आंतरिक रूप से प्रेरित हो तो भी और तो भी सीख सके, लेकिन यहाँ पर बहुत से रूप प्रस्तुत किए जाए वस्तु विषय वस्तु के, तो वो सीखने में बहुत कठिनाई महत्व करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था, क्वेश्चन नंबर 13 का जो क्वेश्चन हमारा, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं होना, बी है कोई उत्तेजना नहीं, कोई उत्तेजना, देखिए यहाँ पर आप काट दीजिए कि उत्तेजना नहीं है, तो क्योंकि अधिगम के लिए उत्तेजना आपको बहुत आवश्यक है, और उत्तेजना के उच्च भय, भय तो होना ही चाहिए, निम्न उत्तेज, और निम्न कैसे हुआ, आप तभी सीख पाएंगे जब आपकी उत्तेजना अधिक हो, या आपके अंदर प्रेरणा अधिक हो, तो यहाँ पर आपका जो ये उत्तेजना भी बहुत अच्छा हो और कोई भय भी ना हो, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है कि एक एक कार्य के दौरान शायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेब बाइस यहाँ पर देखिए, लेब बाइस की जो के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाए इसका आंसर, जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा, देखिए यहाँ पर यानी कि स्वयं से बात कर रही है, स्वयं से बात कर रही है, तो आत्मकेंद्रित नहीं होगा, आत्मकेंद्रित नहीं होगा यहाँ पर, ये मनोविज्ञान विकार भी नहीं होगा, ये और ये संज्ञानात्मक अपरिपक्वता भी नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो स्वयं नियम की बात कर रही है, यानी स्वयं से बात कर रही है, वो किसी और से बात नहीं कर रही है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा आंसर 4। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, और दूसरा है पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, तीसरा है विद्यार्थियों को नामांकित करना, चौथा है योग्य आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन पद्धति का जो मुख्य लक्ष्य है ये होगा जो हमारा, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, तभी तो हम मूल्यांकन करते हैं कि उसकी जरूरत पता चले कि उसको जरूरत क्या है, किस चीज कहाँ भटक रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक जीन प्याजे हमेशा आते हैं, क्वेश्चन इसका आता है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो हमारा 23 का है, ये विचार सोच में केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जो विकास अमूर्त जो विचार जो सोच में केंद्रीकरण है, सोच के ऊपर ये इन्होंने विकास किया है, विकास के ऊपर जो अवधारणा बताई थी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। केवल इधर हम यदि विकास केवल, देखिए यहाँ पर यदि विकास केवल वाला शब्द आ जाए तो यहाँ पर आप काट दीजिए इसको, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, तो 24 का है, देखिए विकास जो हमारा बहुआयाम विकास, यही बहुत कई प्रकार के विकास हो सकता है, यहाँ पर विकास की दर सभी समान नहीं हो सकती, यहाँ पर केवल वाले आप काट ही दो, ऑप्शन नंबर 2 हजार इस क्वेश्चन के नेगेटिव जो होते हैं इनको पहले से आप काट दिए करें, ऑप्शन बहुत बढ़िया लगेंगे आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लेब बाइस का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। देखिए यहाँ पर लेब बाइगोस्की के अनुसार जो सांस्कृतिक सामाजिक है, इन्होंने क्या कहा है, किस पर जोर दिया है, सांस्कृतिक उपकरणों पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जीन प्याजी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। देखिए यहाँ पर जीन प्याजे जो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में तो बात करें जो यहाँ स्कीमा से संबंधित है, जीन प्याजे, याद रखें ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो यहाँ पर देखिए सभी हमारे प्रयुक्त हैं, लेकिन ये हमारे जो प्रयुक्त है कौन से, ये हमारे नहीं है, लेकिन विकलांग छात्र हमारा ऑप्शन सही हो जाए कि शारीरिक दिव्यांगता ये भी है, लेकिन और जिस अशक्त शरीर मंदित छात्र, ये सब की विकलांगता जो हमारे सारे पॉइंट आ जाते हैं इसमें, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है।
जन्म से बात करते हैं तो जीन प्याजे ने बताया है कि जन्म से विकास किस प्रकार होते थे कि संवेग पहली संवेगात्मक अवस्था होती है, फिर मूर्त की अपमूर्त, यानी यही हमारा क्रम रहेगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए एक प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जो तीस का हमारा क्या है, जो प्रगतिशील कक्षा में व्यक्ति विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो योग के आधारित समूह बनाने का मापदंड अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो इसका जो आंसर हमारा क्या होगा, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, जो योग जो अधिपक अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। आप प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं किस प्रकार देखना चाहेंगे, आप तभी देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का बालक किस प्रकार सीखता है, तो उसी तरह की आपको योजना बनानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसी तरह क्वेश्चन हमारे साथ बने रहे, इस तरीके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर की है, आप इससे बिल्कुल मैच करिएगा, अब बिल्कुल सही आंसर इसी से बिल्कुल एनसीईआरटी इसी बेस पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे आंसर बिल्कुल सटीक बैठेंगे। चलिए थैंक यू, टेक केयर।